सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्य सप्तविंशति गूगल के बारे में। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपको लेना है, क्या प्राइस है, इस सारी जानकारियां जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा, प्राइस से पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो दिव्य सप्तविंशति गूगल जो है ये पतंजलि का ही प्रोडक्ट है। तो ये जो है आप पतंजलि सप्तविंशति गूगल भी बोल सकते हो आप इसको। तो चलिए प्राइस की बात करते हैं। तो ये 20 ग्राम की जो डब्बी है आपकी 47 रुपीज़ में आपको मिलेगी और इसमें जो है आपको 40 टैबलेट मिलेंगी। तो दोस्तों बहुत पहले जो है ये 50 रुपये की आती थी जो इसका ओल्ड प्राइस है, लेकिन अभी जो है इसमें 3 रुपये जो है कम कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अभी 47 मिल जाएगी। तो इधर मैं बताना चाहूँगा, प्राइस दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है। तो अब बात करते हैं इसकी। तो ये बहुत सारी जड़ी बूटियों द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, या फिर मैं बोल दूँ टैबलेट है। और इसके अंदर अंदर जो टैबलेट मिलेंगी आपको वो 500 mg की टैबलेट मिलेंगी और 100% वेजिटेरियन है। मतलब जो लोग वेजिटेरियन है वो बिल्कुल इसको ले सकते हैं। अब इसको कहाँ से ख़रीदना है, तो जो पतंजलि के आरोग्य सेंटर होते हैं या फिर आयुर्वेदिक जो मेडिकल स्टोर जो होती हैं वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, या फिर अमेजोन से भी आप खरीद सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके जो है आप उस लिंक पर जाके जो है क्लिक करके इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। तो चलिए आप बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है। तो इधर मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ये इन्फेक्शन के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अब इन्फेक्शन जैसे दोस्तों स्किन इन्फेक्शन हो जाता है आपको, तो स्किन इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। जैसे कि कोई घाव हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा है या उसमें पस निकलने लगता है, आपने देखा होगा घाव में, तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं या किसी को चिकन पॉक्स हुआ है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये। इसके अलावा बाल तोड़ वगैरह हो जाता है जिसको फोलिकुलाइटिस हम बोलते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा रेसेस वगैरह जो स्किन में हो जाते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। मतलब इधर मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, स्किन में कोई भी जो है आपको बीमारी है तो उसमें आप इसको ले सकते हो। और इसके अलावा हम दूसरे फायदे के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपको फिस्टुला है जिसको भगंदर बोलते हैं हम इंग्लिश में, साइनस है और फिसर है, पाइल्स की अगर आपको शिकायत है जिसको हम बवासीर बोलते हैं, गैस की शिकायत है, इनडाइजेशन की शिकायत है, तो उसमें भी काफी यूजफुल मेडिसिन है। तो जिन लोगों को दोस्तों फिस्टुला वगैरह होता है, फिसर वगैरह, पाइल्स वगैरह जिनको होता है, तो उनको देखा गया है जिन्होंने ये मेडिसिन ली है तो उनको काफी ज्यादा फायदा मिला है इस मेडिसिन को लेने से। तो एक प्रकार से दोस्तों इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन से ये आपको बचाती है। तो अगर इनमें से कोई भी आपको बीमारी है, चाहे वो गैस हो, चाहे इंडाइजेशन हो, कुछ भी हो, तो आप ये ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसके अदर बेनिफिट भी हैं, जैसे कि अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो उसमें भी यूजफुल मानी गई है ये। और एब्डोमिनल पेन, मतलब जो पेट में दर्द होता है या मरोल टाइप की दोस्तों उठती है जो पेट में, उसमें भी काफी जो है उपयोगी साबित हुई है ये मेडिसिन। तो आपने देखा दोस्तों इसके कितने सारे फायदे हैं, अगर इनमें से कुछ भी है आपको तो आप इसको ले सकते हो। चलिए अब ये बेनिफिट के बारे में बात करी थी, अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट दोस्तों इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है और जड़ी बूटियों द्वारा बनाई गई मेडिसिन है। लेकिन इसको लेने के बाद तब भी आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझको साइड इफेक्ट हो रहा है या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हो। हालांकि दोस्तों इसके साइड इफेक्ट जहां तक है आपको नहीं होगा, फिर भी किसी किसी को कुछ दोस्तों सूट नहीं करती है कुछ कुछ मेडिसिन, तो आप इसको बंद कर सकते हो। तो चलिए अब डोज के बारे में बात करते हैं, इसके डोज कैसे आपको लेना है। तो 1 से 2 टैबलेट जो है आपको 24 घंटे में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने के मतलब आधे घंटे बाद लेना है, और पानी के साथ आप इसको ले सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको दूध के साथ ही लेना है, आप सिंपल पानी के साथ लीजिए इसको। तो 1 से 2 टैबलेट आपको 2 बार लेना है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप ये 24 घंटे में एक बार भी लोगे ना तो दोस्तों आपका काम चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा है, बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, तो 2 टैबलेट सुबह लीजिए, 2 शाम को लीजिए। इस प्रकार से आप 24 घंटे में 2 बार डोज लेना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं मेल फीमेल के बारे में, तो मतलब मेल फीमेल ले सकते हैं कि नहीं, तो दोनों ही ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए बनाई गई मेडिसिन है। लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके अलावा अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है अगर आप प्रेग्नेंट हो तो। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके डोज के बारे में जानकारी मिल गई। अब कुछ मैं एडवाइस आपको इधर देना चाहूँगा,
अगर आप ज़्यादा मसाले वाला खाना खाते हो तो उसको बंद करना है। बाहर से आप जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, ये सब चीज़ें आपको बंद करना है अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इस मेडिसिन का। और पानी जितना हो सके ज़्यादा पीजिए तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो और एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो वॉकिंग वगैरह करिए, सुबह करिए, भली शाम को करिए, जब भी समय मिल जाए तो एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इस मेडिसिन का। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमको सिंपल जो है दवाई लेते जाना है, मेडिसिन लेते जाना है। इसके अलावा हमको कुछ परहेज वगैरह करना पड़ता है, एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, जिससे कि आने वाले समय में जो है आप बीमारी से, फिर से बीमारी होने से आप बच जाओ। और अच्छा खासा रिजल्ट अगर आपको चाहिए किसी भी मेडिसिन का तो ये सब जो है दोस्तों आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके अलावा कोई आपकी अन्य मेडिसिन चल रही है इसके अलावा, तो उसको बंद करना है कि नहीं? तो नहीं दोस्तों, बंद करने की जरूरत नहीं है। बंद करना है तो डॉक्टर से सलाह लेके ही बंद करें। और आपकी अगर कोई मेडिसिन चल रही है इसके अलावा भी, वो भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो। बस थोड़ा सा जो है समय का जो है डिफरेंस रखिएगा। मान लीजिए कोई मेडिसिन आप अभी खा रहे हो तो इसको जो है 2 से 3 या 4 घंटे बाद लीजिएगा। इस प्रकार से आप थोड़ा डिफरेंस रखिएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हो। अब इधर रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, इसका रिजल्ट कब तक मिलेगा? तो आपको 1 महीने में दोस्तों काफ़ी कुछ जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको भविष्य में फिर से बीमारी होती है तो फिर से मेडिसिन लेना चालू करना पड़ेगा, बाकी 1 महीने में आपकी जहां तक है बीमारी जो है खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा इस मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, लेकिन इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड या पतंजलि से रिलेटेड, तो प्लीज जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडिया।